पौड़ी जिले में इस साल वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जानवर खाक जंगलों को छोड़कर रहवासी इलाकों में पहुंच गए हैं। बता दें कि गुलदार अब बस्तियों में पहुंच गए हैं। गुलदार के हमले बढ़ने के बाद अब श्रीनगर के प्रभावित क्षेत्र में प्रशासन को नाइट कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक 200 मीटर के क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि गुलदार के आदमखोर घोषित होने का इंतजार वन विभाग कर रहा है। श्रीनगर में भी वनाग्नि ने इस साल अपना तांडव दिखाया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि गुलदार रिहायशी इलाकों में घूमने लगा है। बीते 4 माह में गुलदार अब तक 4 मासूम पर हमला कर चुका है। इनमें से 3 मासूम गुलदार हमले में अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 2 की हालत बेहद नाजुक है। गुलदार के हमलावर होने की एक वजह वन विभाग वनाग्नि की घटनाओं का बढ़ना मान रहा है। इसे तलाशने के लिए वन विभाग ने ड्रोन कैमरे भी लगाए हैं, जिससे गुलदार की दहशत से श्रीनगर वासियों को निजात दिलाई जा सके। पौड़ी से मुकेश बछेते की रिपोर्ट। फॉरेस्ट फायर की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़, ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसी कारण जो है गुलदार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। जो गुलदार द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने देवो साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी बाघ है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट किया, उसके ऑर्डर निकाल जाए। निर्देश दिए हैं कि जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हो सुरक्षित रखने के लिए। सर कौन कौन, मैम कौन कौन सी जगह होने वाली? 4 जगह हैं, डांग में है और गंगा दर्शन और श्रीकोट अठाना। कितने रेंज में, कितने मीटर के रेंज में रहेगा? 100 से 150 मीटर में। यहाँ पर 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभाग में बाघों को पकड़ने के लिए उसके आसपास। क्योंकि कल रात को भी जैसे हम विजिट कर रहे थे, हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो एच एन बी या पॉलिटेक्निक के हैं, तो मुझे उस जगह पर मिले।